जन्माष्टमी। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो हम लोगों तो खैर आज मनाया जा रहा है जन्माष्टमी, और इवनिंग के टाइम में आप लोगों से मिल पा रही हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया मॉर्निंग से, क्योंकि काम से व्रत था। मॉर्निंग में वही नहाना धोना, पूजा पाठ और फिर खाने पीने का काम, फिर दिन भर में तो वही था, वही सब था, उसी सब में लगी हुई थी। और आज हमारे यहाँ आ रहे हैं मेरी जो बड़ी वाली दीदी लोग हैं, बड़ी वाली ननद लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं। और आज मैंने फिर से पहनी है साड़ी, और इसका ना मुझे ब्लाउज नहीं आता, मुझे गोल्डन वाला डालना पड़ा क्योंकि पहले की साड़ियाँ हैं ना, तो कोई तो रहती। ग्रीन वाली भी वैसे पहले की थी, लेकिन वो मुझे आ गया था उसका ब्लाउज, इसका नहीं आया, तो मुझे गोल्डन वाला डालना पड़ा। और बैक कैमरे से आपको दिखा, और उतने अच्छे से नहीं दिख पा रही है। और यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा है, तो माइंड मत कीजिएगा कि बिस्तर फैला हुआ नहीं है, सो रहा है, क्योंकि स्कूल से आते हैं ना बच्चे तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो आज तो स्कूलों में जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं थी, जन्माष्टमी की छुट्टी तो वैसे कल है। और आप लोग कैसे जन्माष्टमी मना रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग तो फिलहाल भी मन ही रहा है, खैर अभी तो शाम हुई है, अभी रात को आएंगे दीदी लोग, मेहमान लोग आएंगे। खाना मेरा लगभग बन चुका है, बहुत कुछ बन चुका है, जैसे वैसे पूरा खाना बाद में दिखाऊंगी। दाल बन चुकी है, यहाँ पे मैंने खीर बना ली है, मटर उबाल के रखे हैं क्योंकि मटर पनीर बनेगा, उधर है अरवी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी। तो मैं दिखाऊंगी, मतलब अच्छे से दिखाऊंगी, पर बाद में दिखाऊंगी, फिर आप लोग हमेशा शॉर्टकट में बताती है। और प्लस तिल की चटनी मैंने बनाई है, अभी बनना है रायता, बूंदी का रायता। और पिछले बार पता मैंने बूंदी का रायता बोला था, लेकिन बनाया खीर का रायता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बूंदी का रायता ही बनेगा, और मैं दिखाऊंगी जरूर। तो और मैंने कल फिर से मेहंदी लगाई, सिंपल सी, अपना तो बेस्ट यही है, मुझे यही बेस्ट लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई थी, इतना टाइम नहीं था कि मैं डिज़ाइन बनाती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाना आता भी नहीं। तो दही लाए हुए हस्बैंड, मटर और पनीर लाए हुए हैं, मटर मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं, तो मे भी मटर तो मटर पनीर हस्बैंड बनाएंगे। और मैं लगभग सारा खाना बना चुकी हूँ, आटा वाटा मैंने सब गूंथ लिया, मतलब अपना काम में लगभग कर चुकी हूँ, क्योंकि फिर वही है शाम को उतना ही होगा, फिर आज प्लस गेस्ट भी आने हैं। और मुझे दिखाना मंदिर, देखें लड़ियाँ लगवाई हैं, और अभी उतना अच्छा नहीं, देखिए लाइट बंद करके ना इतना सुंदर लगा रहेगा। तो बस आज जन्माष्टमी है, तो सब मंदिर सजा लो, और मेरे बच्चे और हस्बैंड मेरी लगनता है, अच्छा लग रहा है ना। पहले मैंने ट्यूसडे को कर ली थी मंदिर की सफाई, आज मॉर्निंग में भी करी थी, लेकिन ट्यूसडे को मैंने बहुत अच्छे से मंदिर की सफाई कर ली थी, और लड़ियाँ लगवाई थी मैंने कल हस्बैंड से। तो देखेंगे अभी रहने देंगे या तो कब तक, फिर नवरात्रों में दोबारा से मैं लगवाऊँ, तो बस वही है। और यहाँ पर ये हैं पत्योड़, तो पत्योड़ जो होते हैं ना, जो अरबी के पत्तों में बेसन लगा के बनाया जाता है, तो वो तो दूसरे टाइप में बनते हैं, और ये मैंने अरबी के पत्ते बारीक बारीक काट के प्लस बेसन के साथ उनको मिला के स्टीम दिया है इन्हें, तो इस टाइप में थोड़ा इजी तरीके से बन जाते हैं। और पत्तों में लगाने में थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और ये आप कह सकते हैं शॉर्टकट वाला प्रोसेस है, और टेस्ट वही होता है। तो पहले दिन मैंने उनको स्टीम करके फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जन्माष्टमी के दिन मेरा काम ज़्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने पहले दिन ही उनको स्टीम कर लिया था। और उसमें सिर्फ मैंने हरी मिर्च और अदरक डाला था, हरी मिर्च अदरक और अजवाइन मैंने गूंथते समय डाल दिया था। तो कभी टाइम होगा तो मैं आप लोगों के साथ अच्छे से पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी, और इनको मैं हल्का सा कर लूंगी सैलो फ्राई, तो आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें सैलो फ्राई किया है, और बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे हो रहे थे, और सबको बहुत पसंद भी आए थे, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। और आप इनको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, चाहे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो इसलिए। और दूसरी तरफ फिर उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पूरियाँ, तो पूजा से पहले मैंने पूरियाँ बना ली थी, कुछ पूरियाँ पूजा से पहले बना ली थी और कुछ मैंने बाद में बनाई थी, तो क्योंकि पूजा के लिए चाहिए होती है ना, तो पूजा से पहले मैंने इसलिए भोग लगाने के लिए चाहिए होती है, इसलिए मैंने पहले बना ली थी। तो बस यहाँ पे देखिए पूरियाँ कितनी अच्छी बन रही हैं, खाना लगभग सारा बन चुका था, खाना तो खैर मेरा पहले ही बन चुका था, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि हस्बैंड को पनीर बनाना था तो वो भी बन चुका था, और सब लोग बाहर बैठे हुए थे, लेकिन जिठानी मतलब दीदी जो है वो दूसरी तरफ, दीदी ने प्रसाद बना लिया था, और खाना आज सभी लोगों का हमारे घर में ही था, जैसे मेरी जिठानी लोगों का हो, मेरी जिठानी लोग होगी, हम होंगे, और मेरी जो बड़ी वाली ननद हैं उन लोगों का, तो एक ही जगह था। तो त्यौहार के दिन फिर वही होता है ना, अच्छा लगता है सब लोग एक ही जगह पर
और मेन वो ही जाता है, त्योहारों के टाइम पे ही मिलना जुलना हो जाता है। और प्लस जो बड़ी वाली दीदी है, नन लोग हैं, उनकी इस बार जन्माष्टमी नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ खाना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो यहाँ पे ये खीर है, और ये तो खैर आटा गुजा हुआ है, खीर है, तिल की चटनी है, प्लस पनीर है। तो यहाँ पे मेरे हाथ में कैमरा था और मेरी जिठानी दिखा रही थी, तो दीदी थी इसलिए मैं दिखा भी पाई। प्लस खीर जो छोटी थोड़ी सी कटोरे में रखी है, तो ये बिना चीनी वाली है क्योंकि भैया मीठा नहीं खाते हैं। कुकर में दाल थी तो जो मैंने नहीं दिखाई, प्लस उधर जो वही थे पतेउड़ जो मैंने पहले दिखा लिए थे, और इधर थी अरबी की सब्जी। तो मैं तो खैर शॉर्टकट कर रही थी, लेकिन मेरी जिठानी का नहीं पूरा खाना दिखाओगी। जैसे आप लोगों को पता ही है, मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाती हूँ। और यहाँ पे ये है थोड़ा सा सूजी का हलवा, जो जो कि मेरी जिठानी ने बनाया था, प्रसाद के लिए बनाया था। प्लस पिंजरी भी हमने बनाई थी, मक्खन मक्खन था, मक्खन मिश्री का भी हमने कह सकते हैं आप, प्रसाद बनाया था, भोग लगाया था। तो बहुत सी चीज़ें थी जो हम नहीं दिखा पाए। और यहाँ पे मेरी जिठानी बना रही है रोटी। रोटी खाना हमारा सारा बन चुका है, रोटियाँ बन रही हैं, पीछे से रोटियाँ जिठानी बना रही है, पूरियाँ बनी थी, पूरी हमारी हो चुकी है, पूरी दिखा रही थी मैंने, पूरी बनाते दिखा रही, पूरियाँ बन चुकी है, बन रही है रोटियाँ। तो दीदी रोटी, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ खाना खिलाने के लिए। वैसे तो खैर खाना नहीं चाह रहा था, कहता मम्मी मैं अपने हाथ से ही खाऊंगा। तो मैंने कहा एक दो टुकड़े खा ले, फिर तो अपने हाथ से ही खा लेना, क्योंकि एक तो घर में सबसे छोटा है ना, तो सबने कहा सबसे पहले से ही खिला दो। सब बैठे हुए थे, भी बड़े बच्चे भी बैठे हुए थे और दीदी लोग भी बैठे थे, और जिद कर रहा था क्योंकि पूरी थी और पूरी इसे बहुत पसंद है, और हमारे घर का सबसे छोटा कहना भी है ही है, तो इसलिए सबने कहा सबसे पहले इसको ही खिला दो। तो एक दो टुकड़े ही मैंने खिलाए थे इसे, मैंने ज़्यादा नहीं खिलाया था। उसके बाद वह देखिए यहाँ पे जिद भी कर रहा है कि नहीं मुझे अपने आप से खाना है, तो वैसे खा लेता है ये अपने आप से भी। और उसके बाद सबका खाना पीना हो चुका था और हम लोग लग गए किचन में। और किचन देखिए आप कितना मैशी हो रखा है, बहुत मैशी हो रखा है। तो बहुत सारी डिशेस थी, यहाँ तक कि मैं एक दो शायद आप लोगों को बता भी नहीं पाई। तो हो ही जाता व्रत में सब कुछ, जो जो बनता है तो वो बनाना ही होता है। जैसे हम लोगों में अरबी बनाना, पतीउड़ बनाना, कद्दू की सब्जी बनाना, तो ये नॉर्मली व्रतों में बनता ही है। दाल हो गया, पनीर हो गया, तो बहुत सी चीज़ें थी। उसके बाद फिर हो ही जाता है, किचन बहुत फैल जाता है। तो मेरी जिठानी यहाँ पे बर्तन मांज रही है, मैं कहीं पे बर्तन लगा रही हूँ, कुछ बर्तन मैं खाली करके दे कर रही हूँ। तो दोनों देवरानी जिठानी ने मिलकर निपटा लिया था सारा काम, तो सारे काम निपट चुके हैं। तो पसीन सारा थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब, मुझे पसीना हो रहा है, फिर साड़ी में क्या होता है ना, गर्मी ज़्यादा लगती है। और सारे काम हो गए हैं, किचन भी उन्हें क्लीन कर लिया, इधर भी कुछ सामान है थोड़ा बहुत रखा हुआ, और सारा क्लीन है, पूरा किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन बहुत सारे क्लीन किए हैं। और अभी ये वाला कुकर मैंने भिगा रखा है और मैंने धुल के रखा है, क्योंकि वो जाता है ना, जैसे कुकर बहुत ज़्यादा खीर वाला कुकर था ना, अब तो आवाज़ भी नहीं आ रही आवाज़ भी नहीं आ रही बोलने में, जोर आ रहा। जो खीर वाला कुकर होता है ना, वो हो जाता है थोड़ा मतलब साइड में लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो हो गया था, मतलब बाद में धुलूंगी, अब मैंने भिगा रखा है, मतलब तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है क्या बोला। और दीदी लोग घर आ चुके हैं, मतलब जो मेन बड़ी ननद लोग थे, दीदी लोग घर जा चुके हैं, जिठानी और मेरे बच्चे भी बाहर आंगन में बैठे हैं, क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और हमारे यहाँ ना 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मे भी शायद आज रात को हो, जैसे बोलते हैं जन्माष्टमी में बारिश होती है, तो शायद मे भी आज हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे आज मॉर्निंग से मौसम अच्छा था, दिन भर बादल से ही थे हल्के फुल्के, वैसे वरना और तो बहुत धूप होती, लेकिन बारिश नहीं हुई और बहुत ज़्यादा गर्मी। और जब गेस्ट होते हैं तो आप समझ सकते हो, सबका नहीं था बहुत ज़्यादा, इसमें तो फिर भी सही दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा हालत डाउन है, एकदम रात था। और फिर वही होता है थोड़ा, जैसे त्यौहार जैसे पहले बताया, त्यौहारों के टाइम पे ही मिलना होता है, वरना तो सब अपना अपना बिजी है। और मैंने आज फिर से डाल ली थी साड़ी, और साड़ी में काम करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आजकल मैं पहन ही ले रही हूँ। वैसे मैं बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनती थी बिल्कुल भी, और घर में तो खैर बिल्कुल भी नहीं, कभी कभार शादी में, लेकिन अभी फिलहाल मैं पहन रही हूँ, मतलब होता है ना अच्छा लगता है। और फिर तक यही साड़ी ना अंदर रखी रखी रह जाएंगी। और ये देखिए इसका जो ब्लाउज, इस साड़ी का जो ब्लाउज है मुझे आया भी नहीं, फिर मैंने ये वाला ब्लाउज पहना, तो मैंने चलो पहन लेते हैं। और कैसी लग रही है मेरी वाली साड़ी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इतनी सी थी मेरी शेयरिंग, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को।